और चलिए खबर भिलाई से है, जहां जिले में अब लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 50 हो चुकी है। 24 घंटे में 8 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टाउनशिप के सेक्टर 2, 3 और 4, 6 में ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो डेंगू मरीजों को ढूंढने के लिए अब डोर टू डोर सर्वे भी किया जाएगा, स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर कहा है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार जिले में मरीज बढ़ रहे हैं और अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 50 हो चुकी है। तो डेंगू के 24 घंटे में 8 नए मरीज मिले हैं, जिन्हें अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं अगर बता दें तो टाउनशिप के सेक्टर 2, 3, 4 और 6 में ज्यादा मामले सामने आए। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रॉबिन ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रॉबिन, लगातार मरीजों की संख्या डेंगू की बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य विभाग ने किस तरह से अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ वहां दुरुस्त करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, डेंगू के बढ़ते मरीज को देखते हुए पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने फाइट द बाइट करके कैंपेन शुरू किया था, लेकिन बावजूद इसके लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि डेंगू का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं साफ पानी से होता है और लोगों को घर के अंदर ही सफाई रखनी पड़ेगी। जैसे कूलर की टंकी, अगर छत में कोई टंकी है उसको साफ रखना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग भी इसे कौतूहल बरतते आ रहे हैं, जिसका कारणवश लगातार पिछले दिनों 16 मरीज और अब 8 मरीज, ऐसे संख्या देखा जाए तो लगभग 50 हो गई। और कहीं ना कहीं अभी तक कोई डेथ केसेस जरूर नहीं आए, लेकिन 2018 में डेंगू से लगभग 58 लोगों की मौत हुई थी। तो सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि अभी लगातार जो है डेंगू के मरीज घट रहे नहीं है बल्कि बढ़ रहे हैं। नगर निगम, जिला प्रशासन दावा जरूर कर रही है, लेकिन धरातल पर काम होता कम दिख रहा है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है इसमें। जी चलिए, शुक्रिया रॉबिन। और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों का जागरूक होना भी जरूरी है, और बंसल न्यूज भी लगातार ये अपील करेगा कि आपके आसपास अगर कहीं पानी भरा हुआ है तो उसकी साफ सफाई करें, घरों में कहीं भी पानी जमा ना होने दें, जिससे कि इस डेंगू से बचा जा सके।